अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज 21 जून 2024 है, जुमे का दिन है माशाल्लाह, और मेरे मेहमान आ चुके हैं। इंशाल्लाह आपसे अभी तारफ करवाते हैं उनका, और बड़ा मज़ा आएगा इस टूर का। ठनयानी टूर करेंगे उनको, ठनयानी का टूर करवाएंगे, मिलाते हैं आपको उनको। माशाल्लाह जी, ये हमारे मेहमान पेशावर से आ चुके हैं एबटाबाद, इनको वेलकम करते हैं। सबसे पहले ये हमारे भाई हैं, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र है। पेशावर का मौसम तो बहुत गर्म था माशाल्लाह, एबटाबाद सुबह सरहद में आपको आके कैसा लगा है? यार एबटाबाद का मौसम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। इससे पहले ईद पे हम आए थे सराटा कुंड बंगला पे, कुंड बंगला। तो इस मरतबा असद शाह और अमीर शाह ने चेंज किया है कि यार वो तो कह रहे हैं इस मरतबा एबटाबाद जाएंगे, और जफरान मुगल व्लॉग वाले को मिलेंगे, और अच्छी जो है ना वो आपको सैर करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बखैर रागले आपको एबटाबाद में। शुक्रिया। और ठीक है, कैसा मौसम, कैसा लगा आपको? मौसम बहुत अच्छा है। चले आपको इंशाल्लाह आज अच्छी अच्छी जगह दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बखैर रागले आपको भी पेशावर से आए हैं, और वेलकम, खुश आमदीद जी आया साथ में, बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, आपको आगे विजिट करवाते हैं इंशाल्लाह। शिनक्यारी से हैं आमिर शाह साहब, और उनके साथ क्या नाम है जी? असद शाह साहब है माशाल्लाह, वो भी आए हुए हैं। ये ग्रीन वैली पेज चला रहे हैं माशाल्लाह, टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जफरान, कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और मुझ नाचीज को जो है ना वो आपने वक्त निकाला मेरे लिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत जी, असल में जफरान भाई, हमारा ट्रैक जो है कुंड बंगला और सिरन वैली का है ना। अच्छा। तो हमने सुना है कि जफरान भाई काफी अच्छी व्लॉगिंग भी करते हैं और टूरिज्म के हवाले से काफी एक्सपर्ट है, तो हमने कहा चले आज आपके पास चक्कर लगाते हैं, और मेहमान भी हम साथ ले गए हैं, तो आगे का सफर इंशाल्लाह देखते हैं हमारा कैसा। इंशाल्लाह मजा आएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जफरान भाई, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। दरअसल में टूरिज्म के हवाले से हम काम कर रहे हैं, हमारा एरिया जो है ये सिरन वैली और कुंड बंगला कोंडी वैली जी, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। तो आज हम आपकी तरफ आए, ये दोस्तों की जो पेशावर से हमारे मेहमान आए हैं, इनकी ख्वाहिश पे जुबे की तरफ जाते हैं, नथे गली वगैरह की तरफ, तो आज यहाँ का विजिट करते हैं। आपने हमारा बड़ा साथ दिया, बहुत शुक्रिया जी आप, बहुत शुक्रिया आपका, जो आप आए और मुझ नाजीज को जो है ना वो हमारे लिए जो है वो वक्त निकाला है। इंशाल्लाह इनको आगे लेके चलते हैं। वकार खान स्वाति साहब भी इनके पेज का हिस्सा है, इनकी टीम का हिस्सा है, इंशाल्लाह वो भी आएंगे, लेकिन आज उनका कोई काम था, उनको भी वेलकम करते हैं दोबारा, जब भी चक्कर लगे वो लाजमी आए। इंशाल्लाह आपको आज टूर करवाते हैं ठनयानी का, और बाकी जो जगह है वो भी इनको खूबसूरत जगह पर विजिट करवाएंगे इंशाल्लाह, हमारे साथ रहिएगा। बहुत प्यारे, बहुत ही अच्छे, और मलंग बादशाह जो है ना, वो कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ठीक ठाक, मजा आ रहा है आपको एबटाबाद में? कहाँ से आए हैं? पेशावर से। पेशावर से माशाल्लाह, ये भी क्या नाम है आपका? अबू जर। माशाल्लाह जी, ये बहुत प्यारे हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं इनको, क्योंकि हमारे जो एबटाबाद में आए हैं, तो मैं इनको पपी ना दूंगी। और ठीक है जी, वेलकम, इंशाल्लाह मिलते हैं जी थोड़ी देर तक, मजा आएगा आज का ब्लॉग। वेलकम वेलकम, माशाल्लाह जबरदस्त, ओ भाई साहब, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, खूबसूरत व्यू और खूबसूरत मौसम, ये देखें माशाल्लाह।
माशाल्लाह जी मेहमान बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बारिश शुरू हो चुकी है और ये इस वक्त हम बदना से जा रहे हैं जी, बदना का इलाका है और मज़ा आ रहा है। माशाल्लाह जी ये देखें जी, ये शिनक्यारी से और पिशावर से आया हुआ काफला माशाल्लाह। कैसा मौसम है जी यहाँ का? मौसम तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, गर्मी तो नहीं लग रही ना अब? नहीं, नहीं, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। चले जी माशाल्लाह जी सलामत रहें। ये आ गए हैं और ये देखें जी सुभान अल्लाह। हाँ जी मजा है जबरदस्त। ये है जी रॉयल कुंड होटल, जो इस इलाके की अपनी मिसाल आपके जो बना हुआ है ना, बहुत जबरदस्त रॉयल कुंड होटल है। जो मौसम है यकीन करें इतनी ठंड है यहाँ पे ना, और महीना कौन सा है? जून का, जून के महीने में जी ये सर्दियाँ। जबरदस्त माशाल्लाह जी। हाँ जी खान साहब, बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। सर्दी लग रही है? बिल्कुल ठंडक रहे माशाल्लाह जी। शाह साहब बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। रॉयल कुंड होटल की जो खूबसूरती है वो जरा आपको दिखाते हैं जी। माशाल्लाह ये रॉयल कुंड होटल है माशाल्लाह, टूरिस्ट आए यहाँ पे और बड़ा ज़बरदस्त उनको माहौल मिलेगा और खूबसूरती के साथ साथ सर्दी भी बहुत ज़्यादा है जी ब्रदर। सही मज़ा है, जैसे दिसंबर का महीना होता है। मज़ा है आपको? अभी और भी आएगा, उस तरफ जाते हैं बालकनी आपको दिखाते हैं। ये सामने रूम्स हैं और भी बहुत सारा निज़ाम है, चलें आपको दिखाते हैं जी। आए माशाल्लाह जी, ये रॉयल कुंड होटल में हम खड़े हैं, मेहमान आए हुए थे पिशावर से तो उनको ज़रा विज़िट करवा रहे हैं। हमारे बिरयानी के अंदर कोई भी होटल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑर्डर ने काफ़ी अच्छा किया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है और आपके सामने है कि ऐसी बिल्डिंग बनाई है इन्होंने। तकरीबन आप कह रहे थे दोनों हमारे 52 रूम्स हैं, दो रेस्टोरेंट होंगे हमारे, इसी तरह हमारे और कैटेगरी रूम है, डबल है रूम में है, हमारे लॉजेस बने हैं, फिर ऊपर इसी तरह रेजिडेंशियल रूम्स हैं हमारे, तो फैमिली रूम है हमारे, फैमिली रूम चार्जेस आपके हैं पर नाइट, पर नाइट वैसे तो हमारा ये कि हमारा डिस्काउंट है 30% डिस्काउंट है, वैसे जो हमारा डबल डबल रूम है वो 30,000 का पैकेज में देते हैं, कितने दिनों हम लोग दे रहे हैं कुछ रूम ऐसे हैं जिसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं, वो कैटागरी स्वीट रूम की आ जाती है जिसे हम सुपर डिलक्स भी कहते हैं, उसके लिए बाकी आपके सामने है बिल्डिंग आपने देखी है, आपने देख लिया है तो देखने वाले से थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारे दूसरे गाँव के अपना बाहर मंडिया में है, वहाँ पर फूड प्लानिट शायद आपने ट्राई किया भी होगा, उसमें स्टेट्स वगैरह हमारी
ये जी जून में दिसंबर के मजे। ये देखें जी नाजरीन, इस वक्त ठंडियानी टॉप की सूरत हाल, ये जालाबारी और सर्दी का निज़ाम, और ये मेहमान आए हुए जो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है। और ये मेरी हालत है तकरीबन 3-1 मिनट बाद में ये सर्दी का आलम है। यहाँ पे बड़ा माहौल है, सर्दी में बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है और इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ये लें जी, ये मेहमान जो आए हुए हैं वो इन्होंने सर्दी में आके इन्होंने जून वाला मज़ा जो है ना वो दिसंबर में इनको मज़ा आ गया। ये देखें दिसंबर वाला मज़ा जून में, ये चीज़ क्योंकि मुझे लगी हुई है सर्दी, इसलिए मुझे जून भी दिसंबर लग रहा है। ये मामलात हैं, मैं बिल्कुल तकरीबन 200% गीला हो चुका हूँ मैं, अल्लाह के हवाले। ये देखें, हाँ जी शाह साहब कैसे हैं जी? ये माशाल्लाह, ये फुल मॉल है जी, फुल मॉल है। अबू जार भाई जो है ना उन्होंने तोबा कर ली है ठंडियानी आने से। ये शाह साहब हमारे साथ आए हैं शिनक्यारी से माशाल्लाह, और विजिट किया ठंडियानी का, कैसा लगा जी आपको? जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ठंडा लग गया है। और सर्दी आप देख रहे हैं, सर्दी की नहीं, हम पूरी वाइब्रेशन में लग गई, बड़ा मज़ा है। ये पेशावर से हमारे भाई यहाँ पर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो है ना वो मुझे मौका दिया यहाँ पे आपको जो है वो ठंडियानी दिखाने का। ये जी माशाल्लाह, आज का टूर पेशावर से स्टार्ट हुआ, शिनक्यारी गया, शिनक्यारी से स्टार्ट हुआ, एबटाबाद से ठंडियानी पहुंच गया, और ठंडियानी से स्कूल गली के मुकाम पे हैं माशाल्लाह, और मज़ा आ रहा है। ये देखें शाह साहब, कौन सा है, बीफ टिक्का चिकन टिक्का? बीफ है। ये देखें जी माशाल्लाह, अभी आमिर शाह साहब जी, जी हाँ जी, बीफ तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है। ये अभी इंशाल्लाह मज़ा आएगा खाने का भी। और ये देसी घी है बेटा, ये देखें जी माशाल्लाह, ये तैयारी शुरू है। और ये मौसम के हालात देख लें, इस वक्त ठंडियानी गए थे, वहाँ बहुत सर्दी थी और निज़ाम बहुत ख़राब था, लेकिन वापस आए वहाँ से तो फिर यहाँ पे स्कूल गली के मुकाम पे। फुल एंजॉय स्कूल गली के मुकाम पे। शिनक्यारी और मर्दान और सवाद पेशावर से आया हुआ काफिला, साथ में मुगल ब्रदर जाफरान मुगल व्लॉग, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज ठंडियानी के पी के एक्सप्लोर, सबको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें, आके यहाँ पे आएं और आपको पूरा प्रोटोकॉल मिलेगा। हाँ जी शाह साहब, फुल एंजॉय माशाल्लाह, बहुत सर्दी लगी आपको? बहुत ज्यादा आई थी, बहुत ज्यादा मजा आया जी। जून में जो है ना वो दिसंबर की बर्फबारी हमने एंजॉय की आज, और उसके बाद हम ये मॉल बना रहे हैं। ये देखिए तैयार हो रहे हैं, ये सारे लगे हुए हैं, भूख भी बहुत लगी है माशाल्लाह। हाँ जी जी जी, इस वक्त हम टिक्के बना रहे हैं, हाँ जी इंशाल्लाह वे तैयार होते हैं, आपको भी खिलाते हैं। काली मिर्च डाली है ऊपर, काली मिर्चें, बिल्कुल काली मिर्च, टिक्का मसाला, स्पेशल मसाले इसमें हमने डाले, बस जबरदस्त। और साथ में होगा जी इंशाल्लाह तकरीबन 7-1 किलो है ये गोश्त, कम से कम जो है 6-7 किलो गोश्त, बस इंशाल्लाह मजा आएगा जी। ये तो दूर से आए, ये नहीं खाएंगे, लेकिन मैं फुल आपको प्रोटोकॉल के साथ खा के दिखाऊंगा। अच्छा माशाल्लाह,
आपने जो है ना मेरे मुंह से पहले ही पानी आ रहा था और आपने ये बता के मेरा दिल और थोड़ा सा सीना चौड़ा कर दिया और बोटी को आग लग गई, बोटी को आग लग गई, अल्लाह माफ करे। ये देखें बोटी को आग लग गई है, ये देखें जी, ये देखें बोटी को आग लग गई अचानक स्कूल गली में, बोटी को आग लग गई। बोटी इस वक्त जल चुकी है लेकिन इसको फिर भी जफरान मुगल साहब जरूर खाएंगे इंशाल्लाह। लव यू। सदर साहब हमारे उनके घर पहुंचे, वहाँ पे और खाना शुरू होने लगा है।